सो लॉन्ड्री को ऑर्गेनाइज करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा काम है। हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज आप मेरी मदद करने वाले हैं लॉन्ड्री करने में। सो यस, आज जो लॉन्ड्री का डे है, कपड़ों को मैंने वॉश करने के लिए डाल दिया है। लेट्स ऑर्गेनाइज देम। सो लॉन्ड्री को ऑर्गेनाइज करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा काम है, क्योंकि सारा कुछ मुझे ही करना पड़ता है। पर हिम्मत की हेल्प लेती हूँ मैं फोल्ड करने के लिए। अगर आप जिस दिन लॉन्ड्री को वॉश कर रहे हैं उस दिन ऑर्गेनाइज ना करें तो सारा हफ्ता वो घूमती रहेगी इधर उधर इधर उधर इधर उधर। एंड वैसे मैं फोल्ड कर लेती हूँ, पर ऑर्गेनाइज पूरा हफ्ता लग जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप गरम गरम को फोल्ड कर लें तो आपको आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज़ अगर ड्रायर में रह जाए तो फिर रिंकल्स से भर जाती है, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। सो किसी तरह कौड़ा कोट करके, कौड़ा कोट मीन्स ऐसा मुँह करके ऑर्गेनाइज कर दें, उसके बाद आप फ्री हैं पूरा हफ्ता। सो यही काम में मैं जुटी हुई हूँ ताकि ये एरिया क्लीन हो जाए। मैंने नोटिस किया है कि जब ये वाला एरिया क्लीन होता है, मेरे वॉशरूम्स अच्छी तरह क्लीन होते हैं, तो मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करती हूँ। आई डोंट नो आप इससे रिलेट कर पाएंगे या नहीं। सो आज मेरा लॉन्ड्री का, ऑर्गेनाइजिंग का, क्लीनिंग का दिन था। आज मैंने मेरा स्टूडियो रूम भी पूरी तरह अच्छा ऑर्गेनाइज क्लीन किया, कल से शुरू कर लिया था मैंने। अब अच्छा फील कर रही हूँ मैं। मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं वीडियोज़ के, उस पर हम काम कर पाएंगे, क्योंकि वो अच्छा रूम है। उसमें से मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें डिक्लटर कर दी हैं, बेंच छूट दी हैं कुछ, और जो मैंने बहुत लंबे समय से चीज़ें रोक के रखी थी कि शायद मैं यूज़ करूँगी, शायद मैं यूज़ करूँगी, उसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, जैसे हेयर स्ट्रेटनर्स, कर्लिंग आयरन्स। सो उसको मैं डोनेट करने वाली हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी वर्किंग कंडीशन में है। एंड या सो सारा कुछ निकाल दिया है मैंने, एंड आई एम फीलिंग लाइट एंड हैप्पी नाउ। सो कपड़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, इसके बाद मुझे व्लॉग भी एडिट करना शुरू करना है। शाम हो चुकी है, ऑलरेडी 5 बजने वाले हैं। एंड सो हमने सोचा है कि आज पिज्ज़ा खा लेंगे, पिज्ज़ा ऑर्डर करेंगे, ताकि मुझे डिनर बनाने की चिंता ना हो और मैं ये सारा काम टैकल कर पाऊँ।
क्लॉजेट को क्लीन किया है एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने इसमें से रिमूव की हैं, डोनेट की हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें अच्छी कंडीशन में थी, पर अब मुझे लग रहा है मुझे फिर से करने की ज़रूरत है थोड़ा सा, ताकि जो सर्दियों की चीज़ें मुझे लग रहा था कि मैं शायद पहनूंगी, अभी सर्दियाँ शुरू ही हुई हैं, पर मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ें जो सर्दियों से रिलेटेड हो और जो मैं नहीं पहनने वाली हूँ वो कोई और पहन पाए। सो दो चार चीज़ें मैंने निकाली हैं, अच्छी जैकेट्स एंड स्वेटर्स, और उसको हम जल्दी डोनेट कर देंगे ताकि किसी और के काम आ पाए। ऐसे क्या फ़ायदा होर्डिंग करने का, राइट? तो ये वाला जो है ये हिम्मत मेरी हेल्प करता है फोल्ड करने के लिए, इससे उसका एंटरटेनमेंट हो जाता है, गेम्स जैसे वो लेता है इसको। इसको मैंने लिया था अमेज़ॉन में, जो भी चीज़ें मेरे घर में मैं यूज़ करती हूँ वो अमेज़ॉन से ली है मैंने, उन सबको मैंने लिंक कर दिया है मेरे अमेज़ॉन के स्टोर फ्रंट पे। स्टोर का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे जाके वो चीज़ों को खरीद के फ़ायदा उठा सकते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए। तो आज के लोड्स से हम डन हैं, और ये जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, डिटर्जेंट, फैब्रिक सॉफ्टनर, उन सबको हम टिकाने टिकाने लगा देंगे ताकि ये एरिया क्लीन हो जाए। मैं अपनी ज़िंदगी को जितना आसान बना सकती हूँ उतना मैं आसान बनाने की कोशिश करती हूँ। एग्जांपल बताती हूँ, वहाँ पे आपको वो पिंक टॉवल दिख रहा है, उसे मैंने वॉश किया है, वो मेरे हेयर का टॉवल है। तो ऐसे मैं नहाती हूँ, मैं नॉर्मल टॉवल में अपने बालों को सुखाना पसंद नहीं करती हूँ, इसके साथ आई लाइक इट। सो उसको मैंने बहुत नज़दीक रखा है, वॉश करके मैं उसी जगह पर रखती हूँ ताकि जब भी मैं नहाने के लिए जाऊँ आपको याद नहीं रहता है, फिर आप दूसरा टॉवल यूज़ कर लेते हैं। तो जितना आप कन्वीनियंट बना सकते हैं अपनी ज़िंदगी को उतना बनाया करें, ऐसी नन्ही नन्ही चीज़ें आपके टाइम को सेव करती हैं। तो अब इसको हम हटा देंगे यहाँ से, बिकॉज़ वी आर डन। सो आज मैंने मेरे बेडरूम की बेडिंग को भी वॉश किया है, इस टाइम वो ड्रायर में है, जैसे ये ड्राई होता है हम उसको बिछा देंगे, ये क्लीन्ड वॉश्ड शीट्स, अदरवाइज फिर मैं लेजी हो जाऊंगी, कुछ और बिछा दूंगी या फिर बिल्कुल सोने के समय मुझे याद आएगा। एंड जो हम अपने ऊपर कम्फर्टर लेते हैं उसका कवर भी मैंने वॉश किया है, उसको चढ़ाना भी एक तरह का हैसल ही है। या पति ने ना नवा काम फाड़ लिया है, अपना टॉवल ये इस जगह पे हैंग कर देते हैं, पता नहीं कि वो सोचते हैं किराए पर रह रहे हैं यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो लास्ट लोड हो चुका है, वीडियो को एडिट कर रही हूँ एंड जल्दी से बिछा देते, क्योंकि जब सोने का समय आता है ना तो बिछाने के लिए मन नहीं करता है। लास्ट वो जो चीज़ों को फोल्ड करके रख सकते हैं यहीं पर रख देते हैं। आज का सारा दिन तो ना लॉन्ड्री में निकल जाएगा, क्या निकल गया। सो ये वाली जो क्लॉजेट है ना, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी हैं जो हम रेगुलरली पहनते हैं, सो मेरे लिए आसान हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग करना। ओके गाइस, मेरी बस हो गई यार इसको चेंज करते करते, उल्टा चढ़ा दिया था, फिर सारा कोई ला के दोबारा किया। अब हम आराम से सो पाएंगे जब भी सोना चाहेंगे।
ऑलराइट दोस्तों, बुरी तरह थक चुकी हूँ, खाना हमने खा लिया है, मैंने वीडियो शूट नहीं किया। मैं एक्चुअली शूट करना चाहती थी, मुझे याद नहीं रहा, मैंने बहुत भूख लग रही थी, तो हमने हमारा रेगुलर पिज्जा ही खाया है। आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ मैं कि कैसे आप घर का काम करें खुशी खुशी, दुखी होकर नहीं करें। दो तीन टिप्स शेयर करूँगी। पहला तो यह है कि हमेशा चोर्स को बांट दें, जिससे भी हेल्प ले सकते हैं, हस्बैंड से, बच्चे से, ज़रूर से लें थोड़ी बहुत हेल्प, क्योंकि ऐसे आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा जो आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ है लिस्ट बनाएं कि आपको क्या क्या करना है, ताकि यू नो आप ओवरवेल्म नहीं हो जाए बहुत सारे टास्क को लेके। तीसरी चीज़ है कि जब भी आप कोई टास्क कंप्लीट करते हैं, कोशिश करें कि एक ही टास्क के साथ स्टिक करें, एक ही दिन में सारे काम फिनिश करने की कोशिश मत करें। जैसे आज मेरा दिन पूरा दिन लॉन्ड्री को ही डेडिकेट कर दिया था मैंने, तो मैं काफ़ी ज़्यादा फ्री थी, मुझे पता था कि मुझे सिर्फ लॉन्ड्री करनी है। लॉन्ड्री, क्लीनिंग, हर कुछ एक ही दिन में मत करें, यू नो डिवाइड करें, लिस्ट बनाएं, उसके हिसाब से काम करें, एंड इतना ज़्यादा बर्डन मत ले अपने ऊपर। घर को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत सारे टास्क है, कभी फिनिश नहीं होते हैं। इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान में रखें कि जिसके लिए आप ये टास्क कर रहे हैं कितना प्यार करते हैं आप उनसे, क्योंकि अगर आप उन ये याद रखेंगे कि अपने लव वंस के लिए कर रहे हैं तो आप बहुत प्यार से करेंगे। मैं बहुत बार आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ कि तुम बहुत प्यार से खाना बनाते हो। मैं इसलिए प्यार से खाना बनाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो जिसको मैं खिलाने वाली हूँ कितना प्यार करती हूँ मैं उन दोनों को। सो इसीलिए कोई भी घर का टास्क है जो प्यार से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप भी अच्छा फील करेंगे, ज़्यादा बर्डन नहीं फील करेंगे, स्ट्रेस नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस होंगे ना तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। सो यस दोस्तों, आज का दिन सारा हमने लॉन्ड्री ही की, सो वी आर डन विद दैट। बहुत खुश हूँ मैं, ये सारा एरिया मेरा क्लीन हो चुका है। मैं आपको कल मिलती हूँ नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर करें। शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसे पता चलेगा किसी को कि इतनी प्यारी वीडियोस बनाने वाला बंदा भी है दुनिया में। आई लव यू गाइस सो वेरी मच, बाय बाय, लालू।